हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं गलतेश्वर और आज मौसम एकदम प्यारा सा लग रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही मौसम इतना प्यारा लग रहा है और कहीं पे अगर जाना हो तो बहुत मजा आता है। जैसे गर्मी में हम जा रहे होते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है और अभी ठंडी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ऐसे इतना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है और कमल को भी ड्राइविंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कितने खुश होके चला रहे हैं। वैसे सुबह से मूड खराब था लेकिन अभी खुश हो गए हैं, मौसम अच्छा है ना इसलिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कार वॉशिंग के लिए कहीं यहाँ देखे, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। कब से कार वॉश नहीं कराई है और नीचे पड़ी पड़ी इतनी गंदी हो रही है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम गई है तो बस वॉश करवाना है। तो सो देखते हैं कि कहाँ पे होता है कार वॉशिंग। पंचर के ये सब गैराज मिल जाते हैं लेकिन कार वॉशिंग के लिए कब से ढूंढ रहे, रास्ते में कोई आ ही नहीं रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, हमें गाड़ी को वॉश करवाना है, गाड़ी गंदी हो गई है। क्यों कमल? Yes. नहीं करवाना? करवाना है या और भूख भी लगी है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है तो कुछ नाश्ता भी करना है, क्योंकि ऐसे ही बस फटाफट से प्लान बना दिया और निकल गए हम लोग तो भूख लगी है। बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ कमल, आपको भी लगी है ना? कमल बहुत और कमल क्या करेगी? क्या? कुछ भी खा लूंगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। कमल को क्या खाना होता है पता है? वड़ा पाव। कहीं पे भी जाओ बस वड़ा पाव आया, ओ हाँ हाँ, बस दिल खुश हो जाता है उनका वड़ा पाव देख के, है ना? यस। अभी आज इतनी भूख लगी ना, दो तीन वड़ा पाव तो खा ही लेंगे। स्माइल कर रहे हैं। चलो मिलते हैं गाइस। सो गाइस, ये हम आए थे सिद्धिविनायक महमदाबाद। ये है मंदिर। इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है तो आप लोग देख लेना, सिद्धिविनायक मंदिर। हाँ, तो अभी हम खाना खाएंगे कहीं पर और बस ये रास्ते में ही आता है मंदिर, इसीलिए हमने आपको दिखाया। जहाँ से आए हैं द्वारका से खेड़ा होके फिर महमदाबाद और यहाँ रास्ते में ये मंदिर आ गया है और यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे। सोचते हैं कुछ खाना खा के ही निकलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम रुक गए हैं एक जगह पे खाना खाने के लिए और हम रुक गए खाना खाने के लिए क्योंकि अभी भूख लगी है, कब से कुछ खाया नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया, जल्दी निकलने की वजह से फिर करेंगे डायरेक्ट और फिर निकलते हैं लंच करके, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चलो चलते हैं। कमल ये रहे, कमल हाय बोलो ना। तो वो ऐसे हैं, क्या कर रहे थे? हमारी गुजराती में बोलते रगवा करना। रगवा करते पार्किंग है और कितने रुपीस लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है फोर व्हीलर फॉर। सो गाइस, ये है गलतेश्वर मंदिर और यहाँ मंदिर के एंट्रेंस में ही मंदिर के बारे में तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सोलंकी काल में बंधवाया ये मंदिर, इतना अद्भुत लग रहा है। ये मंदिर गढ़ती नदी और मही नदी के संगम स्थान पर है।
मंदिर में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई हुई है और मंदिर के नीचे की तरफ एक गार्डन है, इतना बड़ा नहीं लेकिन अच्छा गार्डन है, और वह मंदिर के ऊपर से नदी का व्यू दिखाई देता है जहाँ पे पत्थर है और नदी का पानी है। ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस ये है नदी में जाने का रास्ता और ये सामने है नदी और बहुत मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा पत्थर है और कमल मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रही है, ये देखो उनको लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी। सो गाइस मैं बता रही थी कि नदी का पानी एकदम क्लीन है, नीचे के पत्थर मिट्टी सब दिखाई दे रहा है, इतना क्लीन पानी है। हम यहाँ आ गए और ये खेड़ा हाईवे पर ही है और बस अभी हम यहाँ से खाना खा के फिर निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ से हमारा घर आधा घंटा ही है। खाना खा के फिर निकलते हैं और मिलते हैं आप सबको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।